उधम सिंह नगर जिले के आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को विजिलेंस की टीम ने 70,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अधिभार की आड़ में किसी ठेकेदार से रिश्वत मांग रहे थे। कहा जा रहा है कि इसके बिना शराब के उठान का परमिट जारी नहीं किया जाएगा। ठेकेदार की शिकायत पर बिजनेस ने जाल बिछाया और जिला आबकारी अधिकारी को दबोच लिया। किच्छा के थाना पुलभट्टा में तैनात एएसआई सुरेश पसबोला की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें, सुबह के समय थाना परिसर में स्थित टंकी के पास कपड़े जूते सुखाने के लिए दीवार पर रख रहे थे कि इसी दौरान उसी दीवार से सटे हुए लोहे के सोलर लाइट पोल में करंट आने से उसकी चपेट में आ गए। महाराजगंज के सोनोलो क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 18.50 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बता दें, बरामद स्मैक की कीमत 18,50,000 बताई जा रही है। झांसी में एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया और बोलने लगा कि जब पानी बरसेगा तभी नीचे उतरूंगा। घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा। श्रावस्ती जिले के सिरसिया में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, सिरसिया भिनगा में रोड धसने के मामले में डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। जेसीबी से मिट्टी और एक पत्थर डालकर सड़क की मरम्मत कराई गई। बता दें, पाइपलाइन डालने के दौरान बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिले में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने राप्ती बैराज और माधवपुर घाट का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद मुख्य अधिशासी अभियंता को जल्द कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। कानपुर में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में एक बैठक का प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मुख्य उद्देश्य अधिवक्ता समाज के साथ साथ अन्य आम जनमानस के साथ हो रही प्रताड़ना को लेकर बातें कही गई। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू तो हो गई है, लेकिन पुलिस के IPS अधिकारी दरोगा जैसा बर्ताव कर रहे हैं। राहुल गांधी के सदन में हिंदुओं को हिंसक और झूठ बोलने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय के घर पर जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम ट्रेनर एक कारोबार की पत्नी को लेकर फरार हो गया। वहीं पत्नी ने जिम ट्रेनर पर प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के एक सप्ताह के बीच जाने के बाद भी पुलिस दोनों का सुराग नहीं निकाल सकी। गायब होने के बाद से जिम ट्रेनर और महिला का फोन स्विच ऑफ है, जिसके चलते कारोबारी किसी अनहोनी की आशंका से परेशान है। वहीं पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान के बाद कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्षद और अन्य भाजपाइयों के साथ राहुल गांधी का पुतला फूंक कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे भारत के हिंदुओं को हिंसक बताकर उनका घोर अपमान किया है। राहुल गांधी के सदन में हिंदुओं पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने के विरोध में हिंदू रक्षक समिति ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं राहुल गांधी की माफी मांगे जाने को लेकर हिंदू रक्षक समिति ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। सहारनपुर के थाना कतबशेर पुलिस ने घर में घुसकर लूट और मर्डर के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटे गए 20,000 रुपए, अवैध असला, 4 मोबाइल फोन, 1 चाकू, नाजायज व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक तरफ बढ़ाई गई फीस और छात्रवृत्ति को लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं शव यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय के VC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता अभिजीत राय को हिरासत में ले लिया। उसके बाद विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा और इस दौरान उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आता है तो उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहेंगे।